ओए ना लड़ो यार, ना लड़ो, क्या हो गया ओ भाई? ओ यार, हाँ भी मजनू, कैसी है, कैसी चल रही है? दोस्तों, हमारे ये वाले मजनू की इस लैला के साथ सेटिंग हो चुकी है, और आज हमने करना ये है कि हमने जो एक्स्ट्रा मेल अंदर छोड़ा था ना, वो निकाल के हमने ना ये साथ वाले केज में छोड़ देना, या ये अपना हेड की फीमेल के साथ इंशाल्लाह छोड़ देंगे, ताकि भाई ये जो पेयर लगा ना हमारा न्यू वाला, इनको प्रीवियसी मिले और भाई ये इंशाल्लाह ब्रीड शीड करें, भाई शादी शुदी करो आपस में, ब्रीड शीड चाहिए आपकी, बच्चे शच्चे दो। दोस्तों, इनका नेस्ट भी हमने तैयार करके यहाँ पे रखा हुआ है, नेस्टिंग मटेरियल भी डाल दिया था, और उम्मीद है कि यार ये इंशाल्लाह ना जब इनका यानी कि अच्छे से पेड़ लग जाएगा, ये अंडे भी देंगे और इसके बाद इंशाल्लाह उसमें से बच्चे भी निकलेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार, हमने अपने कबूतर ना मास्टर केज के अंदर छोड़े हुए हैं, क्योंकि बाहर जो हमारे नए वाले केजेस हैं ना, उनके हमने नए दरवाजे उतार दिए थे, क्योंकि यार नए बनवाने हैं, वो वाले जो दरवाजे थे ना वो साइड में पड़े हुए हैं, यार ये बिल्कुल भी नहीं ठीक थे, ये ना साइड से बैंड हो गए थे, तो बहुत मुश्किल हो रही थी दरवाजों को बंद करने की, और इस वजह से मैंने ना कबूतर निकाल के ये मास्टर केज के अंदर छोड़ दिए। अब इन्हें भी बाहर निकालते हैं, और यार ये जो दरवाजे हैं ना, मैंने बोल दिया है बड़ी को, वो यानी कि ना नए दरवाजे बना के, तो फिर इंशाल्लाह हम ये वाले केजेस को लगाएंगे। जब तक वो नहीं बनते, तब तक भाई हमें मास्टर केज के अंदर ही अपने पिजन्स को रखना पड़ेगा, और यार पिजन्स के ना मास्टर केज में आने की वजह से हमारी डव्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। वो देखे, सारी डव्स हमारी ऊपर जाके बैठी हुई हैं, क्योंकि यार ये यहाँ पे ना आगे भाई ये बदमाशी करते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, और सारी डव्स को भगा के ना इन्होंने ऊपर केज के ऊपर फेंक दिया हुआ है। ये देखें, सारी बेचारी यहाँ पे बैठी हुई हैं। और दोस्तों, मैं आज मिस्टर टी को आजाद करने वाला हूँ, क्योंकि यार ये कुछ भी हमारे पास नहीं खा रहा, ना ये सब्जी खा रहा है, ना ये खशकाश खा रहा है, ना ये फिश फीड खा रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इसे पकड़ के ना हम नहर के अंदर बहा दें, क्योंकि यार ये मेरे पास अगर एक्सपायर हो गया तो यार बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा मुझे, मैं नहीं चाहता ये ना मेरे सेटअप पे एक्सपायर हो, इसी वजह से मैं इसे पकड़ के ना नहर के अंदर छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि यार स्वाब का काम है कि किसी परिंदे को या किसी जानवर को आज़ाद किया जाए। इन परिंदों को तो मैं आज़ाद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इनको आज़ाद किया ना तो ये बाहर निकलते ही इन्हें चील कवे यानी कि खा लेंगे। ये परिंदे केजिस के रहने अंदर रहने के लिए बने हुए हैं, इन्हें आज़ाद अगर किया जाए ना तो इनके साथ जुल्म होगा, लेकिन भाई जिसको आज़ाद करना चाहिए ना उसको हम इंशाल्लाह आज़ाद कर देंगे। आज इंशाल्लाह मैं इसे पकड़ के ना नहर के अंदर छोड़ दूंगा, और भाई मैं जा रहा हूँ अपने मास्टर केज के अंदर जो अंदर रखे हुए ना, ये बटेर भाई, ये हैं जी हमारे मिंटू भाई, ये देखें जी इसका आज जख्म चेक करें कैसा हो गया। दरवाज़ा तो इसका दोस्तों खुला ही हुआ था, मैं ऐवी टेंशन ले रहा था, ये देखें, हाँ यार अब जख्म इसका माशाल्लाह काफ़ी सही हो गया हुआ है, थोड़ा सा रह गया, रात को भी मैंने इसे मेडिसिन दे दी थी, आज भी दोस्तों मैंने इन कोलियों के अंदर ना मेडिसिन डाली है, मेडिसिन वाला पानी में आज सब परिंदों को पिला रहा हूँ, यहाँ पे भी मेडिसिन डाली है, यहाँ पे भी मेडिसिन डाली है, ताकि हमारे जो बर्ड्स हैं ना वो भाई हेल्दी एंड एक्टिव रहें। और दोस्तों आपको दिखाते हैं हमारा जो डव का बच्चा आया था, ये देखे माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया यार, इसकी ना मम्मा अभी इसे कुछ खिला रही थी, मैंने अभी अभी देखा, तो मैंने जैसे ही ना फोन इसके पास लेके आया हूँ तो यार ये साइड पे हो गई है, ये देखे माशाल्लाह तो कितना बड़ा हो गया यार, एक दो दिन के अंदर ही माशाल्लाह इसका साइज ना थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, माशाल्लाह कितना प्यारा यार, ये देखें क्या कर रहा है। दोस्तों मुझे अब याद आया कि कल हमें जो अंडे का छिलका मिला था ना, वो इसी बेबी का होगा, क्योंकि बेबी बाहर आ गया और छिलका जब नीचे गिरा तो यहाँ से किसी परिंदे ने उठा के वहां पे ले गया, हमें वहां से मिला तो पता चला कि ये तो अंडा है, मैं समझा था कि ये अंडा है किसी परिंदे ने दिया, लेकिन अब मुझे याद आया कि यार ये तो उसी बच्चे का शेल हो सकता है जो हमारे पास आया। और भाई हमारे जो ये वाला जोड़ा ना, ये उम्मीद है कि यार ये जल्दी अंडे बच्चे निकालेंगे, क्योंकि इनके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि ये ना बार बार ये मेल जो है ये बॉक्स के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, और जब ये बॉक्स के अंदर जाके अपना घर बना लेगा ना, तब इंशाल्लाह फीमेल भी अंदर जाना शुरू हो जाएगी और हमारे पास अंडे आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये वाली फीमेल देखिए माशाल्लाह बार बार हमारे पास आती है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने चिक्स को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यार मैं सुबह से उन्हें मैंने ना बाहर नहीं निकाला, अब मैं जा रहा हूँ उनके पास और उन्हें दाना शाना खिलाते हैं, पानी भी देते हैं इंशाल्लाह। पहले ये दरवाजा बंद कर दें। तो दोस्तों चंदा तारा यार 2 दिन से इसी कमरे के अंदर है, हमारे पास बिल्कुल ही नहीं आ रहे, जैसे मैं इसे पकड़ने के लिए आगे जाता हूँ तो भाई ये फौरी भाग जाता है, ये देखिएगा भाग गया भाग गया भाग गया, नहीं आता यार ये हाथ ही नहीं आता। यहीं पे मैं इसके लिए ना दाना पानी यहाँ पे फेंक देता हूँ, इसका यानी कि जो होता ना सब्जियाँ वगैरह यहीं पे फेंक देता हूँ तो यहीं से खा लेता। और भाई ये देखिए पिकाचू गैंग लाइन बना के अपने घर की तरफ जा रही है,
ये देखे अपने घर चले गए, क्योंकि यार बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है तो ये जो इनका घर है ना इसके अंदर छांव है, तो इसी वजह से ये अपने घर के अंदर चली जाती है ताकि गर्मी से बचा जा सके। और भाई हमारे चूजे देखे माशाल्लाह सब के सब मजे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखे गर्मी की वजह से बाहर नहीं आ रहे। आ गया दाना, आ गया दाना, आ गया आपके लिए, अंदर ही रो अंदर ही फेंक देता हूँ। चलो चलो शाबाश। ये देखें यहाँ पे मैंने ना बड़े बर्तन में पानी डाल दिया था ताकि हमारे जो है ना चूजे वो यहाँ से पानी पी भी लें और इसके अंदर दोस्तों ये नहा भी सकते हैं। इसी वजह से ना मैंने यहाँ पे बड़े बर्तन में पानी डाला था और यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी गिरा भी देते हैं। दोस्तों ये आ गया जी हमारे चूजों के लिए नया पानी, इसे यहाँ पे रखते हैं सही से। और यार मैं सोच रहा हूँ कि अब चूजों को बाहर ना ही निकालूं क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा धूप है और मैं नहीं चाहता कि यार मेरे ना चूजे बीमार हो जाएं। और ये देखिए यार हमारी जो है ना ब्लैक बैंटम दोस्तों इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है यार, इनके पाँव पे ना बाल आ रहे हैं, जब ये बड़ी हो गई ना तब इनके सारे जिस्म पे बड़े बड़े बाल आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने वाली है ये। और भाई ये जो हमारे बाकी चूजे हैं ना ये जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह ये अंडे अंडे देंगे और भाई आपका भाई मज़े से अंडे खाएगा, देसी अंडे। और यार ये मुझे लगता है ना ये कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं यार पूरे हैं, शुक्र है पूरे हैं। मैं समझा कि एक कम है क्योंकि सुबह सनी ने इन्हें निकाला था तो हो सकता कि ये यानी कि ना कम बंद किए हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सनी ने पूरे बंद किए थे। तो यार मैं इनका दरवाज़ा बंद करने वाला हूँ ताकि हमारे चूजे बाहर ना आ जाएँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, मैं नहीं चाहता कि मेरे चूजे बाहर आएँ। और पिकाचू गैंग को हमने खोला हुआ है और वो भी यार काफ़ी ज़्यादा तंग है गर्मी की वजह से, लेकिन क्या करें यार अभी तकरीबन 15-20 दिन लग जाएंगे मौसम को सेट होते हुए। जब तक जब मौसम सेट होगा ना तब इंशाल्लाह हम सारे बर्ड्स अपने निकाल लेंगे। आज तो मैंने कबूतरों को भी नहीं निकाला क्योंकि यार बाहर अगर इन्हें निकाला तो इनके घर का जो ना दरवाज़ा ही टूटा हुआ है, ये कहाँ पे जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल इन्हें बंद किया हुआ है और अगर इन्हें निकाल दिया तो इन्हें पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। सो आज इन्हें भाई यहीं पर मास्टर केज में गुजारनी पड़ेगी रात, रात तक इंशाल्लाह इनका दरवाज़ा आ जाएगा, रात को हम लगा देंगे और कल इंशाल्लाह आपके सामने सारे कबूतर पकड़ के हमने दूसरे वाले केजेस में शिफ्ट करने हैं। और दोस्तों एक और ख़बर है, वो ख़बर ये है कि अंश बिलाल के जो परिंदे हैं ना सारे उनके पास पिजन पड़े हैं और एक दो यानी कि पेयर्स और पड़े हैं, वो भी इंशाल्लाह हम लेके आने वाले हैं कल इंशाल्लाह, वो भी लेके आएंगे और नए बर्ड्स कुछ और लेके आने हैं। तो कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नहर के पास, तो भाई ये मिस्टर डी को आज हम सुपुर्द नहर करने वाले हैं। सनी भाई फेंक दें, ये पकड़ो आप फेंको ध्यान से, चलो मैं फेंकता हूँ यार नहर आ तुम गिरना जाना। ये दोस्तों आ चुकी है नहर, ये देखें यहाँ पे किनारा यार मुझे ना ख़राब लग रहा है तो ये आगे ना हो जाए। तो दोस्तों मैं फेंकने वाला हूँ मिस्टर टी को, तो गुड बाय मिस्टर टी, जल्दी से ना जाके पेड़ शेर बनाना अपने बच्चे देना ज़्यादा सारे, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।